Good morning. It's 7 a.m. The weather in Malibu is 72 degrees with scattered clouds. The surf conditions are fair with waist to shoulder height. दोस्तों इमेजिन कीजिए ऐसा कर जो आपसे बातें करता हो, रोबोट किचन में खाना बनाते हो और आपकी कार आपकी एक कमांड पर गैराज से खुद ब खुद बाहर आ जाए। क्यों लग रहा है ना एकदम अनबिलीवेबल, लेकिन ये सब फ्यूचर में सच होने वाला है। लेकिन कैसे, आइए मिलकर जानते हैं फैक्टिफाइड की आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा दुनिया की उन 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में जो फ्यूचर में आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाली हैं। तो दोस्तों फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। रोबोटिक टेक्नोलॉजी, घर में काम, ऑफिस में काम, हर जगह काम काम काम। अगर आप भी कामों से घिरे हैं और परेशान हैं, तो मुस्कुराइए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे दिन आने वाले हैं जब आपका छोटे से बड़ा हर काम रोबोट्स करेंगे। जी हाँ, रोबोटिक टेक्नोलॉजी जिसे आप साईफाई मूवीज में बहुत पहले से ही देखते आए हैं, अब न सिर्फ आप उसे हकीकत में बदलता देख सकेंगे बल्कि उसका इस्तेमाल भी जल्द ही करेंगे। वैसे दोस्तों अभी जापान जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में रोबोट्स का इस्तेमाल कॉमन हो गया है, लेकिन अब इंडिया में भी कई फील्ड्स में रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कोविड पैंडेमिक के दौरान ट्रायल पर रोबोट्स को मरीजों की केयर पर लगाया गया था, लेकिन हमारे घरों में छोटे मोटे काम करते रोबोट्स का दिखना अभी आने वाले कुछ सालों में पॉसिबल हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पॉसिबल कैसे होगा, तो दोस्तों ये सब कमाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल मतलब तो आप जानते ही हैं बनावटी, और इंटेलिजेंस का मतलब है दिमाग। जैसे हम और आप दिमाग से सोचते हैं और काम करते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसानों के ब्रेन की नकल कर इसे अलग अलग तरह के डिवाइसेस में डाला जाता है, जो न सिर्फ एक मशीन को सोचने और फैसला लेने में सक्षम बनाती है बल्कि वो नई नई चीजें भी सीख सकते हैं। वैसे दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कई और टेक्नोलॉजीज और डिवाइसेस भी डेवलप किए जा रहे हैं। फेमस साइंटिस्ट मिशियो काकुर द इन्वेंशन दैट विल ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स में लिखा है कि आने वाले कुछ डेकेड्स में आप अपने घरों को बदलते हुए देखेंगे। ये घर ऐसे होंगे जहां हर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स ही करेंगे। जैसे ही आपकी कार घर के पास पहुंचेगी, गैराज का शटर अपने आप खुलेगा। जब आपको बाहर जाना होगा तब गैराज खुलेगा और कार खुद ब खुद बाहर निकल आएगी। यही नहीं, वॉइस कमांड्स के जरिए आप निर्देश देंगे और आपकी वो कमांड पूरी भी हो जाएगी। खैर दोस्तों आपका तो पता नहीं, मैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ऐसे घर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आपका इस पर क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। 5G टेक्नोलॉजी, दोस्तों आपको याद होगा जब हमारे देश में इंटरनेट ने एंट्री मारी थी तो मोबाइल फोन्स में 2G इंटरनेट पर फेसबुक और ऑर्कुट जैसी सोशल मीडिया साइट्स को लोड होने में घंटों लगते थे। फिर इसके बाद 3G आया जिसने इंटरनेट की स्पीड को थोड़ा धक्का दिया, और फिर आया 4G जिसने वीडियो कॉल, ऑनलाइन गेमिंग और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करना आसान बना दिया। पर सोचिए जब देश में 5G की एंट्री होगी तब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि 5G नेटवर्क एक रेवोल्यूशन बनकर आ रहा है, जिसके आने के बाद हमारे रहन सहन और काम करने के तरीके बिल्कुल बदल जाएंगे। 5G 4G से 10 गुना ज्यादा फास्ट होगा, माने कि आपकी लाइफ की स्पीड भी 10 गुना तेज होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G की मदद से मरीजों के डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। रोबोटिक सर्जरी की जा सकेगी, सड़कों पर ड्राइवरलेस कार्स चलेंगी, स्कूल्स ऑनलाइन शिफ्ट हो सकेंगे, बच्चों के बैग्स में बुक्स और नोटबुक्स की जगह टैबलेट्स और आईपैड ले लेंगे। आप बिना नेटवर्क की चिंता किए देश के किसी भी कोने में बैठकर ऑफिस का काम कर पाएंगे। ई पेमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, डिजिटल सेक्टर में लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। फ्लाइंग कार्स, खैर इंटरनेट की स्पीड तो ठीक है लेकिन गाड़ियों की स्पीड का क्या? अगर ये सवाल भी आपके दिमाग में उठ रहा है कि क्या गाड़ियों की स्पीड भी बढ़ने वाली है, तो ये जान लीजिए कि आने वाले दिनों में गाड़ियां दौड़ेंगी नहीं बल्कि उड़ेंगी। जी हाँ, विदेशों में इसका ट्रायल भी हो चुका है। बस ये समझिए कि कुछ टाइम बाद आप गाड़ियों में फराटा भर आसमान की सैर कर सकेंगे, वो भी शेयरिंग में। जी हाँ, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। दोस्तों अब अगर कोई उड़कर नहीं जाना चाहे और उसे अपनी ही कार से चलना पसंद हो, तो उसके लिए भी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसे ड्राइवर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बल्कि कार खुद ब खुद चलेगी। वैसे तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड कई बड़ी कंपनीज ने ऑटो पायलट मोड वाली इन कार्स को लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है, लेकिन फिलहाल आप सड़कों पर, वो भी विदेश में, टेस्ला की ही सेल्फ ड्राइविंग कार्स को दौड़ते हुए देख सकते हैं। यही नहीं, टेस्ला ने 2023 तक इंडिया में भी इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स को लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 18 लाख या फिर उसके आसपास रखी जाएगी। यानी कि अब वो दिन दूर नहीं जब हम इंडियंस भी बिना कार चलाए ही सिर्फ कार में बैठकर अपनी मंजिल तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों बीते कुछ महीनों में आपने क्रिप्टो करेंसी को लेकर खूब बवाल सुना होगा कि सरकार इसे लेकर कानून बना रही है, ऐसा होगा वैसा होगा। यहाँ तक कि पीएम मोदी के अकाउंट को हैक करके ये लिख दिया गया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी है। लेकिन आपको बता दें कि आने वाले दिनों में कैश की जगह इसी वर्चुअल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। अभी बिटकॉइन समेत कई तरह की क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में मौजूद है जो ब्लॉक चेन पर डिपेंड करती है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल कैश सिस्टम है जो एक प्राइवेट कंप्यूटर चेन से जुड़ा हुआ है और कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बना है। इस पर किसी भी देश, सरकार या बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी में इस कदर इजाफा हो रहा है कि कई देश इसे लीगल भी कर चुके हैं। इस टेक्नोलॉजी का आने वाले दिनों में क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल दुनिया भर में बढ़ जाएगा। और अगर इसे हमारी सरकार ने भी मान्यता दे दी तो फिर हम भी इस वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखेंगे। वर्चुअल रियलिटी। दोस्तों अब जब वर्चुअल करेंसी की बात हो रही है तो चलिए वर्चुअल रियलिटी की भी बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी जिसका मतलब ऐसी चीज से है जो इमेजिनरी हो, जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन वो फिजिकली वहाँ पर नहीं होती। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले दिनों में दुनिया में एक ऐसी तकनीक आने वाली है जिससे वर्चुअल रियलिटी का एहसास होगा तो शायद आप सुनकर चौंक जाएं या फिर सोचें कि जो वर्चुअल है वो रियल कैसे और जो रियल है वो वर्चुअल कैसे बनेगा। दरअसल आने वाले समय में ऐसी गेम्स आने वाली है जिसकी मदद से सामने बैठे इंसान को ऐसा लगेगा कि वो ऑनलाइन नहीं बल्कि रियल में गेम खेल रहा है। दोस्तों इस वर्चुअल रियलिटी का मतलब ऐसा माहौल क्रिएट करना है जो हो तो वर्चुअल लेकिन लगे बिल्कुल असली। ये तकनीक आने वाले दिनों में इतनी एडवांस होने वाली है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठा शख्स आपको अपनी ही कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा हुआ दिखेगा। लाईफाई टेक्नोलॉजी। दोस्तों आपने वाईफाई के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या लाईफाई तकनीक के बारे में कुछ सुना है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। दोस्तों जैसे वाईफाई की मदद से आप आसानी से इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड कर बड़े खुश होते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही है। आप इसे वाईफाई का बड़ा भाई कह सकते हैं क्योंकि ये है तो उसी की तरह लेकिन चलता उससे तेज है। इसमें एलईडी के जरिए डाटा ट्रांसमिशन होता है जो इसकी स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। वैसे अभी ये टेक्नोलॉजी मार्केट में तो है लेकिन इसे और भी एडवांस करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि इन फ्यूचर हम वाईफाई टेक्नोलॉजी से और भी एडवांस और फास्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। फ्लोटिंग फार्म्स। दोस्तों आपने टेरेस फार्मिंग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा फ्लोटिंग फार्म्स के बारे में, जिन्हें टेरेस फार्मिंग का बाप कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये फ्लोटिंग फार्म्स होते क्या हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ आ गया होगा, अब ये तैर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि तेल पर तो तैर नहीं सकते, ये पानी पर बनाए गए फार्म्स ही हैं। दरअसल दोस्तों जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे घरों के लिए जमीन की डिमांड बढ़ रही है, ऐसे में लोग फार्मिंग लैंड को ही घरों में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जब खेतों में घर बनेंगे तो फिर खेती कहाँ होगी? इसी सवाल का जवाब है फ्लोटिंग फार्म्स। जी हाँ, इन फार्म्स की खास बात ये है कि इसके लिए जमीन की जरूरत नहीं पड़ती और तो अब इसे कहीं भी इजीली मूव किया जा सकता है। कुल मिलाकर आने वाले सालों में जब पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से खेती करने के लिए जमीन कम हो जाएगी तो उस वक्त ये फ्लोटिंग फार्म्स हमारे लिए एक लाइफ सेवर का काम करते नजर आएंगे। वैसे दोस्तों जब आप अपना स्मार्टफोन हाथ में पकड़ते होंगे तो आपको भी ये फील होता होगा कि पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, लेकिन ये स्मार्टफोन तो टेक्नोलॉजी का एक सिर्फ छोटा सा ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तो आपको आने वाले कुछ सालों में ही दिख पाएगी जब आपको आसमान में उड़ती हुई कारें और घरों में काम करते रोबोट्स नजर आएंगे। तो दोस्तों आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की इस खास वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।
मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही और भी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।